गुड इवनिंग बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिंघम सर इंग्लिश क्लास। आज मैं एक वीडियो लाया हूँ जिसमें बहुत बच्चों ने कमेंट्स किया है कि लेट के नियम सर बता दीजिए, समझ नहीं आ रहे हैं। तो मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, एक नरेशन का ही टॉपिक है, डायरेक्ट नेट का ही टॉपिक है। उसमें जो इम्परेटिव टाइप का सेंटेंस होता है उसमें लेट का सेंटेंस दिया हुआ होता है, तो कैसे पहचानोगे कि ये किस पार्ट का सेंटेंस है, कैसे चेंजेस करेंगे, ये चीज हम यहाँ देखेंगे। ये 12th एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आएगा भी। पहले 12th एग्जामिनेशन में ये 4 टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। नरेशन चैप्टर है जिसमें हमें 2 नंबर का एक सेंटेंस मिलेगा। फिर उसके बाद सिंथेसिस का चैप्टर है जिसमें हम 2 नंबर का, इसमें भी एक क्वेश्चन मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है, इससे भी हमें 2 नंबर का मिलेगा। और सिंथेसिस का है, इसका भी हमें 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हमें लेट का नियम लेकर आए हैं, नरेशन का ही पार्ट है जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। लेट के प्रारंभ होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस से हमने टॉपिक रखा है। इसमें देखेंगे वे सेंटेंस जिसमें सजेस्ट या प्रपोज का भाव प्रकट हो, सेंटेंस आपको मिलेगा। और देखेंगे सेंटेंस में क्या प्रपोज या सजेस्ट का भाव हो। इसमें देखेंगे रिपोर्टेड वर्ब जो दिया होगा सेम होगा तो सजेस्ट या प्रपोज लिखेंगे। अगर हमारा सेंस लिखा हुआ है तो सजेस्ट या प्रपोज बात करेंगे, और सेड है लिखा होगा तो सजेस्टेड या प्रपोज चेंज करके इनडायरेक्ट में लिखेंगे। फिर इन्वर्टेड कॉमा हमें मिलेगा, उस इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट का यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे या दैट में बदल देंगे। दूसरा है लेट को शुड में बदला जाएगा, जब हमें लेट मिलेगा उसको हम शुड में बदल देंगे। नेक्स्ट अस को हम वी या दे में बदल देंगे। आपकी मर्जी है, आप वी लिखो या आप दे लिखो, अस की जगह चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे कि हम चेंज आखिर क्या करेंगे। यहां आई सेड लेट अस हेल्प द पुअर, ये डायरेक्ट में आपको सेंटेंस मिला है, आपको जज करना है कि ये क्या है, कैसा सेंटेंस है और क्या चेंजेस होने हैं। तो यहां पे देखा, हमने पहले नोटिस किया ये लेट है तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर गया कि इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस है, वो भी लेट वाला। और लेट वाला कौन सा, लेट के बगल में अस दिया हो। जब लेट के बगल में अस दिया है तो हमें रिपोर्टेड वर्ब में जो दिया हुआ है उसको हम किसमें चेंज करेंगे, सेड को हम सजेस्टेड में चेंज करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे आई सजेस्टेड अब देखो आई सजेस्टेड हो गया, सेड को सजेस्टेड में चेंज कर दिया, ठीक है। अब मिला आपका कॉमा, दिया इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट में बदलना है, तो हम यहां पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट में बदल दिया। अब बात आती है लेट और अस, इन्होंने कहा लेट को शुड में बदलो और अस को वी या दे में बदलो। तो हम क्या करेंगे, पहले पर्सन को लिखना पड़ता है, अस को हम वी या दे, हमारी मर्जी है, आप दे लिखो या वी लिखो, आप यहां पे प्लेस कर दो, हमने लिखा वी। लेट को हमने किस में बदलना था, शुड में, तो हम यहां पे शुड लिख देंगे, बाकी आप उठाकर लिख देंगे हेल्प द पुअर। तो हम यहां पे हेल्प द पुअर कंप्लीट करने के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। हमेशा याद रखना जब डायरेक्ट सेंटेंस होगा वो है इन्वर्टेड कॉमा, स्पीच जो होगा इन्वर्टेड कॉमा में होगा, और जो इनडायरेक्ट में सेंटेंस लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा की नीड्स नहीं होती है। सेंटेंस में हमने देखा कि भाई सब्जेक्ट भी दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है रिपोर्टेड क्लॉज में। तो अब यहां पे देखेंगे नेहा की जगह हमने नेहा लिखा, और सेट की जगह हम क्या लिखेंगे, सेट की जगह हम सजेस्टेड या प्रपोज का यूज करेंगे, तो हम सजेस्टेड लिख दिया। इंपरेटिव के जनरल नियम थे उसमें टू को, सेट टू को लगा हटाते थे, सजेस्टेड लिखते थे, लेकिन लेट वाले नियम में याद रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका दिया हुआ है तो हमें टू लगाकर ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। तो हम यहां पे सजेस्टेड टू प्रांसी, और फिर भैया बात आ गई कॉमा हटाकर
that का यूज करना है तो हम यहां पे कॉमा हटाकर that किया। अब let us को हम पहले प्रेस करेंगे, क्या लगाएंगे, we let go should में go to market, तो है ना इजी। लेट का नियम बहुत इजी है, लेट के बगल में अगर अस आता है तो हमें ये नियम फॉलो करना है, रूल फॉलो करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कितना है दाम बाजीराव सिंघम।